हाय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हो आप सब? आई होप अच्छी होंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें पीरियड्स के दौरान इन 6 बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, भूल कर भी नहीं करना इन चीज़ों को कि हम इग्नोर मार देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको ये 6 चीज़ कौन सी गलतियाँ हैं जो आप कर देती हैं फिर बाद में प्रॉब्लम आती हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पीरियड्स किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को दर्द ज़्यादा होता है, किसी को दर्द कम होता है। अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें, उसे अनदेखा ना करें, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करेंगे कि हमें ऐसी कौन सी 6 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले असुरक्षित संबंध। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर हम संबंध बनाते हैं तो उस दौरान हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन उस टाइम भी आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं और संक्रमित होने के भी चांसेस होते हैं। तो उस दौरान आप असुरक्षित संबंध बनाने से बचें। अगर बहुत होता है तो आप सुरक्षा अपनाएं, उसके बाद ही करें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आपको क्या नहीं करना है। आप बहुत सारे लेडीज़ होती हैं कि वो खाना बिल्कुल छोड़ देती हैं उस टाइम पे। ओब्वियसली यार, मानते हैं कि उस टाइम परेशान होते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, खाने पीने का भी मन नहीं करता, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ तो खाना ही छोड़ देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है? जितनी भी लड़कियां, लड़कियों को तो मैं खास तौर से कह रही हूँ, उस टाइम खाना पीना बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि खाना उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस टाइम बहुत कमज़ोर हो जाती हो सके तो जितनी पौष्टिक आहार होते हैं, जितना पौष्टिक खाना है ना, वो खाओ। अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, फल खाओ, सलाद खाओ, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप खा सकते हो अपने अंदर खाओ, उस टाइम तो ज़रूर खाओ। वैसे खाना तो हमेशा चाहिए, जितनी भी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, सबको खाना चाहिए, लेकिन उस टाइम और ज़्यादा खाओ। नहीं मन करता तो भी खाओ, अगर नहीं खा पा रही तो पौष्टिक वाली चीज़ें खाओ ताकि आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा वीक रहती है, खाना बिल्कुल भी ना छोड़े, खाना ज़रूर खाएं आप लोग, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे आपको क्या नहीं करना है। जो भारी काम होते हैं उस टाइम बिल्कुल भी ना करें, यानी वजनदार जो काम करते हैं, वजन उठा लेना, कुछ ऐसा कर लेना, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जिम वगैरह जाती हैं तो आप जिम जाइए, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, लेकिन हैवी वेट वाला काम ना करें, या फिर बाल्टी उठा लेना, हैवी चीज़ उठा लेना, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है आपको। मेहनत वाला काम नहीं करना, हाँ, लेकिन उस टाइम आपको टहलना है, थोड़ा बहुत घर का काम करना है, आराम भी करना है, मतलब कि अपने आप को रिलैक्स भी देना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही बेड पे बैठ जाओ, बिल्कुल ही बैठे रहो, तो आप और ज़्यादा पेन महसूस करेंगे और ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे और आप परेशान हो जाएंगी। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का टहलना वहलना या फिर घर का काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भारी काम होते हैं उन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज़। उस दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जब आप पीरियड से हो रही होती हैं तो वो दिन, उस टाइम आपको बिल्कुल भी भारी कामों से परहेज़ करना है। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं कि पैड को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं आपको बरतनी है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो वही वाला पैड लगा के रखती हैं, तो ये गलती ना करें। देखो, अगर ऐसा करते हो तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और आप प्रॉब्लम में भी फंस सकती हो। तो आपको इनसे, देखो, अगर टाइम से आपको 3 से 4 घंटे में आपको चेंज कर लेना चाहिए। 2 फायदे होंगे, कोई बीमारी होगा उससे भी आप बच जाओगे, दूसरा बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि स्मेल आने लग जाता है तो वो स्मेल से भी आप बच जाओगे और स्मेल भी नहीं आएगी अगर आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे अपने पैड को। तो इसका ध्यान रखिए, इसको इग्नोर ना करें। बहुत सारी लेडीज़ इसे इग्नोर कर देती हैं, ये इग्नोर करने की चीज़ नहीं है, प्लीज़ सीरियसली लें। 3 से 4 घंटे के अंदर ही अपना पैड आप चेंज कर दीजिए। नंबर 5 में बात कर लेते हैं, आपको ठंडा नहीं खाना है, आपको खट्टा चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि उस टाइम आप जितना गर्म चीज़ खा सको तो उतना अच्छा है, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन होगा अगर आप गर्म चीज़ खाते हैं तो। ठंडा आपको नुकसान कर सकता है, खट्टा तो वैसे भी नुकसान करता है उस टाइम पे। तो ये चीज़, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने भी कहा होगा, आपके शायद मम्मी ने कहा होगा या फिर आप लोगों को पता होगा, बड़े बुजुर्ग ने कहा होगा कि अचार नहीं खाना उस टाइम पे, तो ये चीज़ तो कहावत आपने सुनी होगी, तो उस टाइम तो प्रॉब्लम होती है। खट्टा तो वैसे भी नहीं खानी, ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, तो जितना गर्म चीज़ हो सके आप गर्म चीज़ खाइए उस टाइम पे। अब बात कर लेते हैं लास्ट, आपको 6 नंबर पे क्या करना है। 6 नंबर पे आपको करना है, जो टाइट कपड़े पहनते हैं उससे बिल्कुल भी परहेज़ कर देना है आपको, क्योंकि उस टाइम अगर आप टाइट कपड़े पहनती हैं तो आप चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और ये बात फैक्ट है, आप बहुत परेशान रहती हैं। हो सके तो उस टाइम पे आप बिल्कुल कंफर्ट कपड़ा पहने, बिल्कुल लूज़ कपड़ा पहने अगर हो सके तो, या अगर लूज़ नहीं पहन सकते तो कंफर्टेबल कपड़ा पहने, जिसे पहन कर आपको खुशी महसूस हो, परेशान ना हो। कपड़ों को लेके प्लीज़ सीरियसली हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कपड़े को लेकर आप ऐसा रहें कि आप बिल्कुल कंफर्ट हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े, टाइट कपड़े आप पहनते हैं, इससे आपका मन चिड़चिड़ा होता है, फिर आप अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देती हैं और खुद ही खुद परेशान होती हैं, रोने भी लग जाती हैं, ऐसा भी होता है।
और ये मोस्टली लड़कियों के साथ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं पता होगा, उस टाइम कंफर्ट कपड़ा पहनो आप लोग, ठीक है। तो बस इतना ही है, इन छह बातों को आपको पीरियड्स के दौरान ध्यान रखना है जी। खास तौर से ये जो वीडियो है ये लड़कियों के लिए है, जितनी भी टीनेजर्स हैं या जो लड़कियां हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, स्पेशली आपके लिए है। अगर ये कोई मम्मा कोई अपनी वीडियो, ये मेरी वीडियो देख रही हैं जिनकी बेटी, उनके पीरियड्स अब होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकती हैं, उन्हें दिखा भी सकती हैं, तो उनका मेरा जो वीडियो उनके काम ज़रूर आएगा, या आप उन्हें मेरी बातें समझा सकती हैं। तो बस इतना ही है, आपको इतनी ही चीज़ों का ध्यान रखना है पीरियड्स के दौरान। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा है और अच्छा लगा है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा उससे भी दबा देना, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलूंगी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। मोस्टली मेरी कोशिश रहती है कि मैं हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड या फिर ब्यूटी से रिलेटेड, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेकर आऊँ और आपके लिए यूज़फुल रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।